हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, कैसे हैं हम सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके पास सदैव बनी रहे। आज बर्थडे का सेकंड पार्ट शेयर करते हुए, जिसमें पापा केक कट कर रहे हैं। केक होममेड है क्योंकि पापा केक कट के विरोधी आदमी है, तो मैं हर घर में ही हलवा केक बना दी। अब कोई को नहीं मिलेगा, सिर्फ हम लोग खाएंगे। यहाँ पे मार चाचा जी वीडियो कॉल पे हैं, जो इस मोमेंट का मजा ले रहे हैं। लीजिए सब कोई, और हम लोग भी चिढ़ा रहे हैं मेरे तरफ। अरे नहीं 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 लाइए पहले बाबा, हमको खिलाने के लिए बोल रहे हैं। किसी भी मोमेंट को एंजॉय करने में आजकल का कंपलसरी हो गया है कि फोटोग्राफी जरूरी है। वही करते हुए पापा जी को ये मूवमेंट के लिए तैयार करने में कितना पापड़ बेलना पड़ा है वो हम ही लोग जानते हैं। बिल्कुल तैयार ही नहीं थे केक कट करने के लिए। फिर हम लोग बोले पापा ये केक नहीं, हलवा है। तो उसके बाद बहुत मुश्किल से तैयार हुए, जिसका हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सके, वरना फीका फीका सा हो जाता। और ये सब कोई को बारी बारी केक खिलाते, फ़ोटो शूटिंग, ये सारा चीज़ मतलब इसके बिना अधूरा सा होता है। और काफ़ी टेस्टी बन गया था। थोड़ा प्रोसेस अलग तरीके से हलवा बनाई थी मैं, कस्टर्ड मिक्स करके, जो काफ़ी टेस्ट यूनिक लाया था, जो सबको बहुत पसंद आ रहा था। और सब कोई बारी बारी भैया लोग सब कोई इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए, मतलब थोड़ा सा छोटा सा मोमेंट होता है, बट इतना एक्साइटमेंट हो जाता है सबको, खुशी खुशी छोटे चीज़ को भी बड़ा ऐसे किया जाता है। मतलब सबको जब किसी भी मोमेंट पे एक साथ इकट्ठा हो, अभी माँ लोग तो नहीं हो पाए क्योंकि माँ भी यहाँ पे नहीं थी, मगर जो थे उतना में ही हम लोग एंजॉय किए और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाने से हम लोग भी खुश हो जाते हैं, और कोई भी सेलिब्रेशन को ऐसे ही अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो मौका खुल के, दिल खोल के एंजॉय करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही सही, मगर एंजॉय जरूर करना चाहिए। और ये पापा जी को गुंगा भी खिलाते हुए, क्योंकि हम खिला रहे पापा गुड़गुड़ खा रहे थे, साइड में ही पापा जी रखे हुए थे ताकि। और ये गिफ्ट लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको सदगुरु तरक्की देवे। खोल के भी देखिए, देख रहा हूँ, देखिए कितने गौर से देखते हुए। इस गिफ्ट को पाके पापा इतना खुश हुए, क्योंकि रात में ही बोल रहे थे कि मेरा कप खराब हो गया। ये कप पापा को खास करके पसंद आता है क्योंकि हीट नहीं होता। और देखिए खोलने के बाद कितना एक्साइटमेंट होगा इनको, मतलब उसका बयान आप इनके फेस के इम्प्रेशन देख सकते हैं। गिफ्ट देने खुद मदद कर रहे हैं गिफ्ट खोलने में। और ये पापा का फेवरेट कप। कहाँ से इनका बुझा के लेंगे, कहाँ से इनका बुझा के लेंगे, हर चीज को गौर से देखते हुए पापा का फेवरेट मनपसंद कप। और पापा का फेवरेट काम जो रहता है पढ़ने लिखने का, उसके अकॉर्डिंग पेन। इसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ मेरे गिफ्ट में पापा को, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, फिर भी पापा रिएक्शन देखे कितना अच्छा दिए, ब्लेस मुझे दिए, रिटर्न गिफ्ट तुरंत मिल रहा था। कोई पापा को गिफ्ट दे उसके साथ में आशीर्वाद, बम्पर आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा था, जो जिसको जैसा आशीर्वाद चाहिए वैसा ये गिफ्ट देने वाले। और ये है गिफ्ट बर्थडे बॉय। केक कटिंग हो गया, गिफ्ट हो गया, अब खाने की बारी। हम लोग मिलके सेलिब्रेशन है भाई, तो खाने के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं। शॉर्टकट में ही बनाए थे, जिसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, मगर जो था मिलके हंस के खा लिए। और इसके साथ बर्थडे पार्टी कंप्लीट हुआ। और उस समय का ख़ास मेमोरी जो कुछ इस तरीके से है, जो हम लोग फोटोग्राफी किए थे वो, वैसे तो माइंड में सारा मेमोरी रहता है, बट फोटो में जो आ जाता है वो कुछ खास हो जाता है।
इसलिए फ़ोटो ज़रूर क्लिक करती हूँ मैं। थोड़ा सा इन्जॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि रोने का तो बहुत सारा लाइफ में मौका मिलता रहता है, बट हंसने का एक छोटा सा भी मौका को खुल के इन्जॉय करना चाहिए। खास करके ऐसा कोई मौका हो जो हमारे मम्मी पापा से रिलेटेड हो, तो वो हमें खुल के ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक एफर्ट से ना थोड़ा सा खुशी उनको हम लोग देते हैं ना, तो रिटर्न में हम लोग को इतना सारा खुशी और ब्लेसिंग मिलता है। ये नहीं कह रही हूँ कि रिटर्न गिफ्ट मिले तभी आप उन्हें खुश रखो, मगर हाँ उन्हें खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको खुश देख के ना एक अलग सा सुकून मिलता है, और कोई भी घर में सेलिब्रेशन हो उसको इन्जॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत आवश्यकता है मुझे, तो इसलिए सपोर्ट भी आप अपना हमें हमेशा देते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ, मेरे पापा जी को ब्लेसिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।